ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। पांच मई से भरपूर बिजली देने के दावे के गुल हो जाने के बाद शासन ने अड़चनों को दूर करने के लिए अधिकारियों के पेंच कसने शुरू कर दिए हैं। इस क्रम में बुधवार को जिलाधिकारी सुहास एलवाई बिजली विभाग के दफ्तर में धमक पड़े। जनपद में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में उत्पन्न हो रही बाधाओं को लेकर उन्होंने विभागीय अधिकारियों से सवाल किए। जनपद में पटरी से उतरी विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने विभाग के उच्चाधिकारियों को कई निर्देश दिए। रोस्टर के अनुरूप जनता को बिजली प्रदान करने, खराब ट्रांसफार्मर्स को 48 घंटे के अंदर बदले जाने के उन्होंने सख्त आदेश दिए। इसके साथ साथ जनता के साथ संवाद स्थापित करने के लिए भी उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग जनता के साथ संवाद स्थापित करे, उन्हें कटौती की सूचना व कारण के बारे में भी जानकारी दे। बैठक के उपरांत उन्होंने सहायक अभियंता कार्यालय का भी निरीक्षण किया। खराब सीसीटीवी कैमरे को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। विगत कुछ दिनों से कई जनता और जनप्रतिनिधियों से शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिजली की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। उसी के क्रम में बिजली विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श हुआ और निरीक्षण भी किया गया। इसमें एक स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा है कि कैसे आजमगढ़ में बिजली की व्यवस्था को बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ बनाया जाए। इसके लिए कई बिंदुओं पर कार्रवाई हो रही है। समस्त अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि जो रोस्टर शासन से निर्धारित है उसके अनुसार प्रत्येक दशा में जनता को बिजली उपलब्ध कराएंगे और जहां भी ज़्यादा इमरजेंसी रोस्टिंग अगर होती है उसके लिए भी शासन से अनुरोध किया जाएगा और ट्रांसफार्मर्स की जहाँ भी खराबी उसको 48 घंटे के अंदर हर हाल में ठीक करने का निर्देश दिया गया है। अब से ऐसे सिस्टम डेवलप अभी किया जा रहा है जिससे आम आदमी को और आम जनता को ये मालूम रहेगा कि अगर कहीं बिजली कटौती हुई है तो क्यों हुई। सोशल मीडिया के माध्यम से एक संवाद स्थापित किया जाएगा जिससे जनता को ये पता रहेगा कि अगर आज 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में बिजली कटौती हुई है तो क्या कारण है, रोस्टर में ही कटौती हुई है अथवा कहीं लोकल फॉल्ट से कटौती हुई है। और दूसरा, जनता को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसमें जनता बता सकती है कि ट्रांसफार्मर अगर ख़राब है तो वो ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से वो बता सकती है तो तुरंत वहाँ उनको रिप्लाई भी मिलेगा, संवाद भी रहेगा, अधिकारियों को भी मालूम होगा कहाँ क्या दिक्कत है। तो ऐसे कई स्ट्रैटेजी बना के और जो रोस्टिंग का भी जो रोस्टर तय था तो जहाँ जो जनता की मांग थी उसके अनुसार चीफ इंजीनियर साहब ने ऊपर भी बात कर लिया है और उम्मीद है कि वो हमें दोबारा मिल जाएगा। तो आप आज से ही बिजली व्यवस्था में सुधार देखें। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। पिछले साल आजमगढ़ के खुदादादपुर गांव में हुए बवाल के बाद हालात कंट्रोल करने के लिए आजमगढ़ बुलाए गए पुलिस कप्तान अजय कुमार साहनी तत्कालीन सपा सरकार द्वारा अचानक वापस भेज दिए गए थे, लेकिन सत्ता बदली और अब योगी सरकार द्वारा अचानक फिर वापस उन्हें आजमगढ़ में तैनात कर दिया गया है। वही रौबदाब, वही ट्रेलर यानी अपराधी भी उस वक्त कांप गए थे। बुधवार को दोबारा जिले की कमान संभालने के बाद
नए पुलिस कप्तान के रूप में अजय कुमार साहनी पुलिस लाइन के सभागार में विभागीय अफसरों से मिलने के बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए। बताया कि शासन और डीजीपी साहब की मंशा है थाने पर आने वाले हर व्यक्ति को सम्मान और न्याय मिले, अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो जेल भेजा जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली सरकार की और हमारे डीजीपी महोदय की ये मंशा है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको कि न्याय ना मिले, हर व्यक्ति को सम्मान दिया जाए, उसकी बात को ठीक से सुना जाए, उसे न्याय मिले और कोई भी अपराधी ऐसा ना हो जो किसी भी वजह से सोचे कि अब सिस्टम से ऊपर है, विधि व्यवस्था को पूरी तरह से लागू किया जाए और हम और हमारी पूरी टीम पूरी तरह से उसको लागू करने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम लोग उसमें खरा देंगे। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित नवीन कलेक्ट्रेट के सभागार में विभिन्न विभागों की कार्य प्रगति तथा विकास संबंधी समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने राशन कार्ड, समाजवादी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन आदि के सत्यापन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस सत्यापन अभियान का मुख्य उद्देश्य पात्रों का नाम सूची में सम्मिलित करना तथा अपात्रों का नाम सूची से हटाना है। इस कार्यक्रम को समस्त संबंधित अधिकारी गुणवत्तापूर्ण तरीके के साथ समयबद्ध तरीके से संपन्न कराना सुनिश्चित करें और सत्यापन संबंधी कार्य का विवरण प्रतिदिन नामित कर्मचारी द्वारा तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आईजीआरएस के संबंध में उन्होंने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल की शिकायतों के निस्तारण के पश्चात दो गवाहों के नाम और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं जिससे शिकायतकर्ता की संतुष्टि की पुष्टि की जा सके। तहसील दिवस के संबंध में उन्होंने कहा कि तहसील दिवस मुख्यमंत्री के एजेंडे में प्रमुख बिंदु है, इसलिए समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी यह भलीभांति सुनिश्चित कर लें कि तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों का निस्तारण 7 दिन के भीतर हो जाना चाहिए तथा कोई भी मामला लंबित नहीं होना चाहिए। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार यादव को विद्यालयों की व्यवस्थाओं को बेहतर कराने का निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालयों में बच्चों व अध्यापकों की उपस्थिति में सुधार करने हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाएं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राजस्व बीके गुप्ता सहित समस्त उप जिलाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ गोरखपुर राजमार्ग पर बुधवार अपराह्न जैनपुर कोतवाली के बाग खालिस बाजार के पास एक अनियंत्रित पिकअप वाहन ने सड़क किनारे खड़े व बाइक पर सवार लोगों को रौंद दिया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे में महिला समेत 2 की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए, 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के विरोध में गाड़ी में तोड़फोड़ कर आक्रोशित लोगों ने गोरखपुर मार्ग जाम कर दिया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुल सका। सभी पीड़ित बाग खालिस में शादी के लिए लड़की देखकर वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। बताया जाता है कि आजमगढ़ जिला मुख्यालय की तरफ से आ रही पिकअप वाहन ने सबसे पहले बनकट बाजार में कुछ लोगों को टक्कर मारी।
यहां से लोगों के जुटने पर चालक भागने के चक्कर में अनियंत्रित होकर आगे बाखालिस बाजार में 5 लोगों को बुरी तरह से चपेट में ले लिया। आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गया। अनफन में सभी को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर रौनापारा थाना क्षेत्र के रसूलपुर के निवासी 45 वर्षीय पुलावन मौर्य व 42 वर्षीय रीना शर्मा पत्नी रामरूप शर्मा को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि रीना के पति रामरूप शर्मा जहानगंज थाना क्षेत्र के करौत निवासी 35 वर्षीय आशीष सिंह व मुबारकपुर थाना के बिंदमठिया निवासी 45 वर्षीय फूलबदन का उपचार चल रहा है। घटना ऐसे हुई कि ये लोग लड़की देखने आए थे और लड़की देख के निकलने वाले थे वहाँ से बखालिस में, तो बिल्कुल अपने साइड में खड़े थे, रॉन्ग साइड आके इसने ठोक दिया इनको। अच्छा, ये लोग सड़क पे ही खड़े थे? बिल्कुल साइड में, सारी पटरी छोड़ के पैदल थे, खड़े थे कि जगह बातचीत हो रही थी चलने की, उसी बीच में आके ठोक दिया उसने। ये मैजिक कहाँ से जा रही थी? वैसे ही आजमगढ़ तरफ से आ रही थी। तेज रफ्तार मैजिक? मतलब कितने लोग घायल हुए, कितने लोग? 2 लोग डेथ हो गई, 2 लोग घायल हैं, बाकी और अन्य जगह थे 1-2 लोग। फिर पहले 3 लोग इंजर्ड रूप में आए हैं, तो ये संभवतः कहीं साजी देख के लोग आ रहे थे, उसी समय कोई मैजिक से इनका एक्सीडेंट हो गया है। उसमें 2 लोग बुरी मतलब स्पॉट डेड हो गए, तो 2 बॉडी हैं। ये 3 लोग जो घायल होकर आए हैं उसमें थोड़ा सा अर्ध गंभीर में है, 1 का तो अभी ओटी में ऑपरेशन चल रहा है, उसमें फ्रैक्चर है, नेल पड़ रहा है, और 2 लोग कुछ हद तक स्थिर अवस्था में हैं, वार्ड में एडमिटेड हैं। अब एक के बाद इनको दो तो ऑलरेडी डेड हैं, 3 वही इंजर्ड रूप में आए हुए हैं, तो उनका इलाज चल रहा है। और ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। एक महीने के भीतर 2 मासूमों की हत्या से सकते में आई दीदारगंज पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो एक ऐसे वहशी युवक का चेहरा बेनकाब हुआ जो छोटी उम्र के बच्चों को बहला फुसला कर अप्राकृतिक दुष्कर्म करता है और फिर बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है। दीदारगंज थाना क्षेत्र के सुरहन गांव के रहने वाले रितेश सिंह पुत्र संत प्रसाद सिंह के नाम से चर्चित यह युवक अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके ऊपर आरोप है कि अपने ही गांव के 2 मासूमों की हत्या कर दी और अब कहीं जाकर पुलिस की गिरफ्त में आया। दीदारगंज पुलिस के इस सफलता का खुलासा नए पुलिस कप्तान के रूप में दोबारा आजमगढ़ आए अजय कुमार साहनी ने बुधवार को किया। पुलिस लाइन में मीडिया से हुई बातचीत में श्री साहनी ने बताया कि विगत 14 मई को सुरहन गांव में 8 वर्षीय आदित्य व 23 अप्रैल को 6 वर्षीय आर्यन की हत्या हो गई थी। इस खुलासे में चौंकाने वाली जानकारी मिली। 3 दिन पहले और मिली, इसकी उम्र 6 साल थी। इस पे थाना पुलिस ने वर्कआउट किया इस केस को, तो निकल कर ये बात सामने आई कि उसी गांव का एक अभियुक्त है रितेश सिंह, जिसने बारी बारी ये दोनों बच्चों को अपहरण करके ले गया, इनके साथ उसने अप्राकृतिक दुष्कर्म किया और इसके बाद जो है उन बच्चों की हत्या कर दी। तो इन दोनों मामलों में वर्कआउट हुआ है, मुझे अरेस्ट हुआ है और इसको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही चूँकि घटना बहुत गंभीर थी, बहुत विवाद पैदा हुआ था, इसलिए इस मामले में इस पे NSA भी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। पुलिस कप्तान का कहना था कि पुलिस को आरोपी ने बताया कि जिस आर्यन को उसने मारा उसके घर से पुरानी दुश्मनी चल रही थी। हालांकि अब यह भी देखा जाएगा कि आसपास के और जो बच्चे लापता हैं कहीं उन मामलों में भी रितेश का हाथ न हो। वैसे 2 मासूमों की हत्या की बात उसने कबूल कर ली है, इसे देखते हुए आरोपी के खिलाफ NSA भी लगाया जा रहा है। सन 1966 में कोई मामला इसके परिवार में हुआ था, नहीं, जिस बच्चे को इसने मारा है उसकी उम्र 8 वर्ष थी और उसके साथ इसने अप्राकृतिक दुष्कर्म किया, दूसरे बच्चे को मारा जिसका कोई कारण नहीं था, इसलिए निश्चित रूप से साइकिक गंभीर मुजरिम है और हम लोग कठोरता में। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध।
हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। बदमाशों का तो नाम ही काफी है। कुख्यात अपराधी कुंटू सिंह के नाम पर जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर GL केशरवानी से रंगदारी मांगी गई तो एक बारगी तो डॉक्टर साहब कांप ही गए थे। शहर कोतवाली में FIR भी दर्ज करा दी, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए राहत भरी खबर यह रही कि कुंटू सिंह ने उनसे रंगदारी नहीं मांगी है। सच्चाई तो पुलिसिया छानबीन में उजागर होगी, लेकिन बुधवार को दीवानी न्यायालय में पेशी पर आए ध्रुव कुमार सिंह कुंटू सिंह ने मीडिया के सामने ही कहा कि मेरा इतिहास है, रिकॉर्ड है, आज तक किसी अधिकारी, कर्मचारी या व्यापारी से रंगदारी नहीं मांगी है। यह सब मेरे विरोधियों की साजिश है। हम खुद चाहते हैं कि पुलिस के वरिष्ठ अफसर इसकी निष्पक्ष जांच करा लें। देखिए, हमारी उम्र 45 वर्ष हो गई है, आज तक किसी व्यापारी या किसी दुकानदार से कोई सामान अपने नाम बताकर गुंडा टैक्स के रूप में मैं नहीं लिया हूँ, न किसी अधिकारी, न किसी कर्मचारी, न किसी व्यापारी से कि अपहरण, लूट या रंगदारी कभी जीवन में मांगा हूँ। यह हमारे दुश्मनों का की चाल है हमको बदनाम करने के लिए। इस हमारी अपील है पुलिस विभाग से, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। तो उसकी निष्पक्ष जाँच की जाए, हमारे नाम से नहीं, हम शनाख्त नहीं है, पता नहीं है, कुंटू सिंह के नाम से दर्ज हुआ है। इसकी जिस नंबर से फोन किया गया उस नंबर का जांच किया जाए कि वह नंबर किसका है, कौन फोन किया, कहां से फोन किया। बड़े ही सधे हुए शब्दों में अपराधी कुंटू सिंह ने अपनी सफाई दे दी। कहा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, इसी कारण फंसाने की साजिश हो रही है, धमकी मैंने नहीं दी है, जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। इस हमारी अपील है पुलिस विभाग से, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, हमारे नाम से नहीं, हम शनाख्त नहीं है, पता नहीं है, कुंटू सिंह के नाम से दर्ज हुआ है। इसकी जिस नंबर से फोन किया गया उस नंबर का जांच किया जाए कि वह नंबर किसका है, कौन फोन किया, कहां से फोन किया। पेशी पर आए कुंटू सिंह ने रंगदारी मामले में अपनी सफाई तो दे दी है, लेकिन पुलिस यहीं रुकने वाली नहीं है। नए पुलिस कप्तान अजय कुमार साहनी ने कहा कि हाँ, रंगदारी का प्रकरण संज्ञान में आया है, सर्विलांस व अन्य तरीकों से पुलिस फोन करने वाले तक पहुंचेगी, फिर चाहे कुंटू सिंह हो या कोई अन्य अपराधी, धमकी दी है तो उसे पुलिस छोड़ेगी नहीं। किसी से नहीं है, जो करेगी साक्ष्यों के आधार पर करेगी। जो कॉल आई है उस कॉल की लोकेशन भी ट्रेस होगी, फोन भी ट्रेस होगा, कॉल करने वाला व्यक्ति भी ट्रेस होगा। अगर उसमें वो शामिल हुए तो फिर उसके कठोर परिणाम होगी। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के बासुपार गांव में मंगलवार की रात पेड़ की एक डाल किसान हीरा यादव के घर पर कहर बन के गिरी। उसके चार बेटे घर के बाहर सो रहे थे, उसी दौरान गुलमोहर पेड़ की मजबूत डाल महज हल्की हवा चलने से ही गिर गई। डाल के नीचे दब जाने से 14 वर्षीय पुत्र पवन, 12 वर्षीय विशाल, 7 वर्षीय प्रिंस व 4 वर्षीय बजरंगी घायल हो गए। रात में ही गांव वाले जुट गए और सभी घायलों को लेकर जिला अस्पताल भागे। यहां एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 3 बच्चों का इलाज किया जा रहा था। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि 2 बच्चों की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। घटनाक्रम यही था कि 8:55 पर 3 बच्चे आए, जिसमें से एक बच्चा कोलैप्स हो गया था, वो ब्रॉड डेड था। 2 बच्चों की हालत गंभीर थी जिसकी वजह से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया।
दोनों बच्चों में से एक बच्चा सेमी कॉन्शियस स्टेज में था और एक बच्चा अनकॉन्शियस था। यहाँ कोई भी मैकेनिकल सपोर्ट न होने की वजह से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दोनों की हालत बहुत गंभीर थी। बासुपार गांव के ही रहने वाले रामाशीष यादव का कहना था कि किसान हीरा यादव ने कई बार प्रयास किया था लेकिन वन विभाग वाले पेड़ को काटने नहीं दिए। इतना ही नहीं, पेड़ गिरा तो बिजली का एक तार भी टूटकर बच्चों के ऊपर गिरा, जिसकी जद में बच्चे आए और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनाक्रम यही हुआ कि गुलमोहर का विशाल पेड़ था, वह ज़्यादा दिन से कोतड़ भी हो गया था, तो फॉरेस्टर को खुद हम लोग सूचना दिए, गांव वाले भी दिए कि इसको कटवा दीजिए 2.5-3 साल पहले से, लेकिन उसको कटवाए नहीं। आज अचानक जो है, कोई हवा तगड़ी नहीं थी, हल्की थी, लेकिन वह चार बच्चे जो सोए थे, अचानक पेड़ जो है, डाल जो है उसकी मोटी सी गिर गई और उसी के साथ जो बिजली का तार था नंगा वो भी गिर गया, उससे भी उसको पकड़ ली, जिसमें जो है एक्सपायर कर गया और 3 गंभीर है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। किसी ने ठीक ही कहा है कि माँ तेरे दूध का कर्ज मुझसे अदा क्या होगा, तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। और कुछ इसी भावना के साथ माँ को खुश करने के लिए टाइनी टॉट्स स्कूल में बुधवार को ढेरों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यालय में मदर्स डे के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि DDC ऋतु सुहास ने शिरकत किया। सो हिट रहे इस कार्यक्रम में माताओं के सो फिट रहने पर भी उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की, जिसकी वानगी उन्हें माताओं के लिए आयोजित किए गए मनोरंजन खेलों के दौरान देखने को मिली। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने माँ को ईश्वर का दूसरा रूप बताते हुए कहा कि एक माँ जितना करती है उतना कोई भी नहीं कर सकता। आज यहाँ मदर्स डे के उपलक्ष्य में जो सारे बच्चों की माताएं हैं उनका एक कार्यक्रम था और उत्सव की तरह इसको मनाया जा रहा है। यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम बिल्कुल होने चाहिए। मैं समझती हूँ मम्मी सबके बच्चों के लिए इतना कुछ करती हैं, थोड़ा समय और थोड़ा उनके लिए भी फन का स्कोप होना चाहिए और दे डिजर्व इट बहुत बच्चों के लिए। एक माँ जितना करती है उतना कोई नहीं कर सकता। विद्यालय की वाइस प्रेसिडेंट जया गौड़ ने विद्यालय आयोजित मदर्स डे के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि विद्यालय परिवार ने एक छोटी सी शुरुआत की है, आगे और भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज टाइनीटॉट्स स्कूल की तरफ से एक छोटी सी शुरुआत की गई है कि माँ के होठों पर एक मुस्कान देने की, एक दिन सिर्फ और सिर्फ एक दिन माँ के लिए, उनको उनके बचपन की याद दिलाने के लिए। वैसे तो माँ के पास सबके लिए समय होता है पर अपने लिए नहीं होता। बच्चों को देखना, परिवार को देखना, इन सब में वो अपने को कहीं भूल सी जाती हैं। आज इस प्रोग्राम के द्वारा हमने उन्हें सिर्फ खुद के लिए हंसना खिलाया, दौड़ाया और उनके बचपन के दिनों की याद ताज़ा की। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे अभिभावक संघ का हल्ला बोल जारी है। बुधवार को संघ ने बड़ा गणेश मंदिर में बैठक कर अपनी आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान अभिभावकों के शोषण व शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार पर चिंता जाहिर की गई। मुख्य रूप से शुल्क विवरण का उपलब्ध न कराने को लेकर चिंतन हुआ। उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ के अध्यक्ष युधिष्ठिर दुबे ने कहा कि एक भी अभिभावक को किसी भी विद्यालय द्वारा शुल्क विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। अपारदर्शी तरीके से मनमानी फीस वसूल कर अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो आगे कंज्यूमर फोरम से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जाएगी। विचार विमर्श किया जा रहा है निजी विद्यालयों द्वारा इस वर्ष एक भी अभिभावक को शुल्क विवरणिका नहीं दी गई। रसीद जो दी गई है वो अपारदर्शी है, स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस मद में कितनी राशि ली गई है। हमने 5 मई 2017 को DIOS को एक ज्ञापन सौंपा था कि साहब चिल्ड्रेन कॉलेज में गोविंद दुबे ने जब विवरणिका मांगी तो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुई, FIR हुआ, उसके बाद भी शुल्क विवरणिका नहीं मिली। तो अब कम से कम आप मध्यस्थता करें और शुल्क विवरणिका उपलब्ध करवाएं ताकि चीज़ें पारदर्शी हों, हम भी जान पाएं कि हमने हमारे बच्चे के स्कूल में किस मद में कितना फीस जमा किया है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर रसोइयों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कचहरी क्षेत्र स्थित रिक्शा स्टैंड पर यह धरना दिया। इस दौरान उन्होंने हर वर्ष रसोइयों की नियुक्ति का प्रावधान खत्म किए जाने, पाल्य अनिवार्यता हटाए जाने, पूरे सत्र का मानदेय प्रदान किए जाने और मानदेय सीधे रसोइयों के खातों में प्रेषित किए जाने की मांग की। इसके अलावा MDM की व्यवस्था NGO के माध्यम से किए जाने पर भी उन्होंने विरोध जाहिर किया है। अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोईया महासंघ के बैनर तले यहां लामबंद हुई रसोइयों ने मांगे पूरी न होने पर 29 मई से आमरण अनशन पर बैठने का भी निर्णय लिया। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।